मैं अभी एक बार सबको म्यूट कर रहा हूं, और उसके बाद अगर किसी ने मैंने अभी सभी को म्यूट किया है, अगर इसके बाद किसी ने अनम्यूट किया बिना किसी रीजन के, किसी का अनम्यूट हुआ और कोई अनवांटेड वॉइस आई, तो उसको अब की बार आउट ही कर दूंगा मैं क्लास से। ठीक है, ओके, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना आज कल का एक क्वेश्चन था, उसी के ऊपर टॉपिक है कि मैच से पहले कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए और मैच के बाद क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। और एक अपना टॉपिक है डायरी मेंटेनिंग का, कि डायरी मेंटेनेंस का क्या फायदा है, डायरी का क्यों मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन करें और इसके क्या बेनिफिट्स हैं अपने को, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो लेते हैं कि रेंज के अलावा, मतलब मैच के अलावा, रेंज से बाहर अपन क्या प्रिपरेशन करें कि अपने को वो बेनिफिट दे, और कुछ ऐसी चीजें जो अपने को बाहर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बिफोर मैच जो प्रिपरेशन है उसके अंदर ध्यान देने वाली क्या चीजें हैं, मैच से कुछ दिन पहले, जैसे 10-15 दिन पहले से अपन स्टार्ट कर देते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट मैच आने वाला है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10-15 दिन पहले, मैच से पहले आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है, मैं आज ट्रेनिंग के बारे में कोई बात नहीं करूंगा कि शूटिंग की ट्रेनिंग कैसे क्या चल रही है, उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन शूटिंग के अलावा क्या चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो शूटिंग के अलावा ये है कि 10-15 दिन पहले से अपने को एक तो अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए कि फिजिकल का ध्यान रखें, फिजिकल इन द सेंस आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें कि कोई ऐसा गलत चीज खाए नहीं जिसकी वजह से बीमार हो, कोई गलत तरीके से ट्रेवल या एडवेंचर ना करें जिसकी वजह से कोई चोट लग जाए अपने को, कोई बाइक से स्टंट मार रहा है, कोई साइकिल से कुछ कर रहा है, या कोई ऐसी जगह घूमने फिरने चढ़ने गया कि कोई पहाड़ से फिसल के गिर गया, चोट लगी, कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ ऐसा ना करें जिससे अपने को खतरा हो या अपनी बॉडी को कोई खतरा हो, या कोई ऐसी मसल पुल हो जाए जिसकी वजह से मैच खराब होने के चांसेस रहे। ये 10-15 दिन पहले से ही अपने को थोड़ा सा प्रिवेंशन रखते हुए चलना है। खाने का ध्यान रखना है कि खाने में ऐसी चीजें ना हो जिसकी वजह से कोई पेट खराब हो या फूड पॉइजनिंग हो जाए या कोई और दिक्कत हो जाए, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैच से पहले क्या होता है कि नई नई जगह पे जाते हैं, जैसे कुछ लोग केरला गए हुए हैं, कुछ भोपाल आए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है कि नया नया फूड मिलता है, नई फूड की दुकानें हैं या रेस्टोरेंट है या अलग एरिया का फूड है। एक दिल्ली से गया हुआ बंदा सोचता है केरला जा करके मैं तो यहाँ इडली डोसा बड़ा ही खा लूँ, अब हो सकता है उसकी बॉडी को वो सूट नहीं कर रहा हो और वहां पे बीमार होके बैठ गया या फिर खराब, तो वो चीजें अच्छी ट्रेनिंग है लेकिन उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम हो गई है, तो वो चीज ना करें। कोशिश करें कि जैसा आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर पाती है, एक्सेप्ट करती है, वैसा ही फूड लें, वैसा ही रहन सहन, खाने पीने का, या ठंडा गर्म जो वेदर है उसका ध्यान रखें कि वहां गए हैं तो वहां वेदर का थोड़ा सा अलग वो है, माहौल है, तो उस वेदर को भी ध्यान में रखा जाए कि उस वेदर के अकॉर्डिंग अपने को चलना है ना। यहाँ मान लीजिए भोपाल का है तो भोपाल के वेदर को ध्यान में रखना है, पहले चलने से पहले क्या करना है, वेदर का देख करके चलना है कि मान लो कोई दिल्ली से या राजस्थान से कहीं से आ रहा है तो जिस स्टेट में जा रहा है या जिस कंट्री में जा रहा है तो वहाँ का वेदर पहले स्टडी करें। आजकल नेट के ऊपर, मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल होता है कि क्या वेदर है, बारिश आएगी या बादल रहेंगे या ठंड कितनी है, फोग क्या है, हर चीज का पहले से 10-15 दिन पहले का वेदर ब्रॉडकास्ट पहले देख करके अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कैसे कपड़े लेके जाने चाहिए, क्या ओढ़ने का लेके जाना चाहिए, खाने में मुझे क्या लेके जाना चाहिए, पानी का थर्मस लेके जाना है कि नहीं, पानी गर्म करने के लिए केटल लेके जानी है कि नहीं, या छोटा मोटा जो ड्राई राशन है मान लीजिए काजू बादाम या किशमिश या भुने हुए चने या गुड़ या कोई भी चीज जो आप, मतलब आपको इमरजेंसी के अंदर कुछ भी नहीं मिला या कुछ भी छूट नहीं हुआ आपके लायक खाने पीने में, तो आपको एनर्जी के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ एक स्टॉक आपके पास ड्राई राशन का रहे जो आप खा सकें, ताकि भूख लगती है तो क्या होता है, भूख खाना नहीं देखती है, फिर आदमी क्या करता है बाद में कॉम्प्रोमाइज करता है, उल्टा सीधा जो मिल रहा है वो खा लिया, तो ऐसा ना हो उसके लिए ये सब चीजें लेकर के चलें साथ में कि ये सब चीजें अपने पास में हो ताकि अपन कुछ गलत ना खाएं। तो एक तो ये चीज हो गई खाने के रिगार्डिंग, वेदर के रिगार्डिंग। हम लोग जब बाहर दूसरी कंट्रीज में जाते थे तो वहाँ का भी पहले वेदर स्टडी करते थे। एक दो बार शुरू शुरू में हुआ जब जूनियर्स में हम लोग बाहर गए हैं तो उस टाइम पे ये चीजें ध्यान में नहीं देते थे, 2005-06 के अंदर, यहाँ मई जून में जा रहे हैं और उस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ बर्फ पड़ रही है, अब कपड़े नहीं लेके गए, बाहर
एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कुल्फी जमनी शुरू हो जाती है कि ये क्या हो गया, हमारे साथ किसी ने बताया नहीं। तो क्या होता है, बताएगा आपको कोई नहीं, आपको खुद ही अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि किस कंट्री में जा रहे हैं, किस स्टेट में जा रहे हैं, तो वहां का जैसा वेदर है उसके अकॉर्डिंग आपको कपड़े वगैरह लेके जाएं, खाने पीने की चीज भी उसके अकॉर्डिंग लेके जाएं, कि थोड़ा सा अगर ठंडी जगह में जा रहे हैं तो कुछ ड्राई फ्रूट ऐसे लेके जाएं जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, अंजीर हो गया या खजूर हो गया, ताकि जो बॉडी को थोड़ा सा हीट दे पाए या ज्यादा एनर्जी दे, ताकि आप ठंड के अंदर सर्वाइव कर सकें। ठीक है, अब ठंडी जगह है वहां पे आप ज्यादा फ्रूट तो नहीं खा सकते, और ठंड लगेगी बॉडी को, वो बॉडी का टेम्परेचर और गिरता है फ्रूट्स खाने से। तो वो चीजें ध्यान में रखने वाली हैं कि उन चीजों को नजर रखते हुए आप लोग ऐसा राशन लेके जाए जो आप वहां पे खा सकें। कपड़ों का ध्यान रखें कि वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े हों। उसके बाद में अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें कि खुद की सेफ्टी रखनी है हमने। अभी जैसे मान लो कोई किसी कंपटीशन जोन में, वेन्यू में, किसी स्टेट में आया हुआ है और वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज करता है कि मैं तो 20-50 रुपए सस्ता पड़ रहा है, लेकिन मैं बाइक पे, ओला बाइक हो रही है आजकल की, मैं बाइक पे रेंज पे चला जाता हूँ अपनी होटल से। अब बाइक वाला मान लीजिए कोई अनट्रेंड आदमी है, उसने आपको गिरा दिया या कोई चोट लगी, कुछ हो गया, तो आपका जो 150 रुपए की कंजूसी थी उसकी वजह से आपने अपना मतलब पूरे साल का जो मेहनत थी, कैरियर था, उसको दांव पे लगा दिया। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि ऐसी चीज ना करें आप, कि बाइक वाइक के ऊपर तो मैं तो ये बोलूंगा कि कंपटीशन से 10-15 दिन पहले बैठना ही अवॉइड करें, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई भी एक्सीडेंट होता है तो बाइक पे डायरेक्ट हिट होने के चांसेस आपको होते हैं, आदमी को, चलाने वाले को या पीछे बैठने वाले को, क्योंकि ज्यादा चोट लगती है। गाड़ी में या ऑटो में फिर भी थोड़ा बच जाता है, बाइक पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि चोट लगे, तो बाइक को अवॉइड करें। और फिजिकल सेफ्टी हो गया, खाने पीने का हो गया, वेदर का, कपड़े का हो गया। इसके बाद में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैच को लेकर के। मान लीजिए शूटिंग की आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, प्रैक्टिस सब कुछ हो गया, बढ़िया हो गया, अब आपका नेक्स्ट काम क्या बचता है? नेक्स्ट काम आपका ये बचता है कि आप किस रेंज में जा रहे हैं। अगर वो रेंज आपकी पहले देखी हुई है तो कोशिश करें कि उस रेंज के अकॉर्डिंग आप अपनी रेंज के ऊपर प्रैक्टिस करें। मान लीजिए कि आप केरला की रेंज पे जा रहे हैं या अहमदाबाद की रेंज पे जा रहे हैं, तो अहमदाबाद की रेंज के ऊपर जो जहाँ पे शूटर खड़ा होता है वो एरिया नॉर्मल रेंजों से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 70 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक ये हो सकता है, ये टेबल का हाइट जहाँ शूटर खड़ा होता है, पिस्टल शूटर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, है ना। अब क्या है कि नॉर्मली सब जगह के अपने को 70-75 तक मिलती है, लेकिन वहां पे 90 या 95 है। हाँ जी, तो वहां पे थोड़ा सा हाइट ज्यादा है। तो अब क्या है, नॉर्मली शूटर प्रैक्टिस करके गया है दिल्ली की रेंज से, दिल्ली के अंदर हाइट है 75 सेंटीमीटर, वहां गया उसको 95 मिल गया। अब शूटर को अनकंफर्टेबल शुरू हो रहा है कि मेरा तो यहाँ पे हाथ जो है ना ऊंचा रखना पड़ रहा है, उसकी जो सीक्वेंस है वो बदल जाती है, बॉडी का रिस्पॉन्ड बदल जाता है, एक रिदम सा टूटने लगता है कि इतनी हाइट के ऊपर उसने हाथ रख के फायर नहीं किया। तो ये अगर आपको पहले से पता है तो आप क्या करें कि अपनी पिस्टल का जो बॉक्स है वो वहां पे रखें, या कोई लोअर रेंज पे जा रहे हैं कि जहाँ पे ज्यादा डाउन है, जब मान लीजिए भोपाल की है टोटल पूरा ही 70 सेंटीमीटर है, तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि अपने जिस रेंज पे कर रहे हैं वहां पे 70 सेंटीमीटर पे रख करके करने की कोशिश करें, क्योंकि रूल में ये है कि आप उसमें कुछ भी एड ऑन नहीं कर सकते। 70-100 सेंटीमीटर तक का आपका टेबल हाइट हो सकता है, लेकिन उसमें आप एड ऑन नहीं कर सकते, कम या ज्यादा करने से जितना है उसी में आपको मैच करना पड़ेगा। तो मैच करना पड़ेगा तो आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ताकि मैच वाले दिन आपको कुछ अनकंफर्टेबल या एबनॉर्मल ना लगे, कुछ डिफरेंट ना लगे। तो ये चीज आपको अगर पहले से इंफॉर्मेशन है कि किस रेंज पे जा रहे हैं, उसकी क्या मेजरमेंट है, क्या लाइटिंग है, कैसा उसका बैकग्राउंड है, तो कोशिश करें वैसा ट्रेन करने का। उसके बाद क्या चीजें आ जाती हैं कि मैच से 10-15 दिन पहले आपकी एक स्ट्रेटजी बन जानी चाहिए कि मुझे ये मैच कैसे खेलना है। अभी इससे ये एक नया टॉपिक होगा आप सभी के लिए कि मान लीजिए नॉर्मली मैच तो सभी करते हैं, सभी 60 गोली चलाते हैं मैच पूरा खत्म करके आगे, लेकिन एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक अपने लिए एक चेक पॉइंट होना चाहिए कि मुझे ये वाला मैच जो है ना मैक्सिमम ट्रिगरिंग के ऊपर करना है, मैक्सिमम साइट के ऊपर करना है, या मैक्सिमम टाइमिंग के ऊपर करना है। तो अपने आप को चेक करने के लिए या इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको किसी एक चीज को
दाव पे लगाना पड़ेगा या किसी एक चीज को चेक करना पड़ेगा कि मेरे को इस मैच में सिर्फ ये करना है, चाहे स्कोर आए चाहे नहीं आए। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी वो चीज चेक हो जाएगी। मान लीजिए आपने ट्रिगरिंग का लिया कि मुझे इस मैच में सिर्फ ट्रिगरिंग कंटिन्यू करनी है, जैसे मेरा ट्रिगर का टाइम है कि स्टार्ट से मेरा हाथ उठाने से लेकर के और मेरा 14 सेकंड का सीक्वेंस है, तो मुझे 14 सेकंड में ही फायर करना है, कोशिश ये करनी है और ट्रिगर कंटिन्यू रखना है, मैं एक भी शॉट के अंदर ट्रिगर को ब्रेक नहीं दूंगा बीच में, चाहे शॉट कहीं भी लगे। तो आपने इस चीज को चेक किया, मान लीजिए अच्छा हुआ या मान लीजिए अच्छा नहीं हुआ, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चला ना कि मेरे को ट्रिगर मेरा ठीक नहीं चला पा रहा हूँ जैसा मैं चलाता हूँ, तो मुझे ट्रिगर पे और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ऐसी चीजें आपको लेकर के मैच से पहले चलनी चाहिए कि मेरे को इस मैच में ये चीज ट्राई करूंगा, इस मैच में ये चीज ट्राई करूंगा। इससे क्या होगा, एक आपका जो ओवरऑल मैच का जो स्कोर का प्रेशर है वो भी डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक चीज, एक काम, एक टास्क करने का सोच लिया, आपने स्कोर का नहीं सोचा है। मोस्टली गलती कहाँ करते हैं, गलती ये करते हैं कि आप सिर्फ स्कोर मारने के लिए जाते हैं मैच में, कि मुझे तो बस मैच में स्कोर मार के आना है, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं होता है, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। तो स्कोर का कोई टारगेट या स्ट्रेटजी अपनी नहीं होनी चाहिए कि स्कोर मार के आना है, स्कोर तो बाई प्रोडक्ट है, आप अपनी सिक्वेंस ठीक से फॉलो करेंगे तो स्कोर तो आ ही जाएगा, स्कोर को कौन रोकने वाला है। लेकिन गलती ये नहीं करनी है कि आप स्कोर के लिए जाएं, स्कोर आ जाएगा अपने आप, अगर आपने सही सीखा है और आप सही फॉलो कर रहे हो उस चीज को तो स्कोर आएगा। लेकिन आपने क्या करना है, एक एक चीजों को परफेक्ट करते जाना है, एक एक चीजों को ट्रेन करते जाएंगे, एक एक चीजें परफेक्ट करते जाएंगे, तो आप परफेक्ट बनते जाएंगे, बेटर बनते जाएंगे और रिजल्ट बेटर होता जाएगा। तो एक ऐसी चीजों को चेक करना है आपने कि भाई मेरे को ये चीज इस मैच में करनी है, तो ये आपको 10-15 दिन पहले से ही आपकी डिसाइड हो जानी चाहिए कि मेरे को इस मैच में क्या करना है। उसके बाद में और 2-3 चीजों के ऊपर ध्यान देने वाली चीजें हैं कि मैच के जस्ट बिफोर, मतलब आउटसाइड द रेंज आप क्या करें। एक ट्रेनिंग पैटर्न में एक चेंज करना चाहिए। क्या होता है कि जब मीठा खाने का कंपटीशन होता है, कि किसी मान लीजिए 10 दिन बाद में मीठा खाने का कंपटीशन है ना, तो क्या मीठा खा खा के प्रैक्टिस की जा सकती है? कोई भी एक आदमी मेरे को जवाब दीजिए इस चीज का। अगर मीठा खाने नहीं हो सकता ना, ओके, तो क्या उसके लिए क्या करना पड़ता है कि 10-15 दिन पहले मीठा छोड़ना पड़ता है अपने को, है ना, ताकि उस दिन क्या मीठा ज्यादा खा पाए। तो अपन गलती कहाँ करते हैं कि शूटर मैच से पहले भी क्या करता है, खूब दबा के शॉट फायर करता है, खूब टेन मारने की कोशिश करता है, खूब मैचेज करता है, और जिस दिन पीटी मिलती है, मान लो 20 20 मिनट या 40 मिनट पीटी मिल रही है, उसमें दबा के कोशिश करता है 100 गोली चला दूं। भाई उस दिन आप 100 चलाओ चाहे 200 चला लो, उस दिन की गोली चलाई हुई काम नहीं आएगी, जो ओवरऑल आपने ट्रेनिंग पहले की है वो इम्पोर्टेंट है, वो काम आएगी, उससे आपका भला होना है, ना कि उस जो आधे घंटे में आप गोली चला लोगे पीटी में। भाग दौड़ी मचाए रखते हैं लोग पीटी के लिए, आधा घंटा पीटी मिलती है उसके लिए पूरा दिन रेंज पे खराब कर देते हैं। कई लोग कोशिश भी करते हैं, मैं दूसरा कंप्यूटर कार्ड लिया हूँ, एक बार और लगा दूं फिर से कर लूं, तो उससे कुछ नहीं होना है उस 20 मिनट की 40 मिनट की पीटी से। उससे बेहतर है आप आराम से अपने रूम पे जहां भी हैं प्रॉपर ड्राई कर लें, वो ज्यादा सेटिस्फाई करेगी आपको। ठीक है, तो कहना मेरा ये था कि मैच से पहले, कोई भी बड़े मैच से पहले आप शूटिंग कम करें, मतलब गोलियां कम चलाएं, ड्राई ज्यादा करें, ये ज्यादा कारगर सिद्ध होगी आपके लिए। अगर ज्यादा शॉट चला रहे हैं आप, तो क्या होगा, ज्यादा शॉट चलाने से आप अपने आप में थक जाएंगे, आपका दिमाग ही थक जाएगा, टेन मार मार के अच्छा कर करके, और दिमाग में एक फालतू की एक्सपेक्टेशन पैदा हो जाएगी, मेरा तो इतना स्कोर चल रहा है, अभी मेरा मैच में इतना आना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए। मैच से पहले ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ड्राई करें, या अपनी और एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दें, मेंटल ट्रेनिंग करें, फिजिकल के ऊपर करें, डाइट को बहुत बैलेंस करें, बॉडी का बीपी चेक करें कि बीपी मेरा ठीक है, हार्ट बीट ठीक है, कंसंट्रेशन मेरा कैसा है, इन सब चीजों को रिफाइन करने में लगाएं लास्ट मोमेंट पे टाइम, ना कि गोलियां फायर करने में। गोलियां कम फायर करें लेकिन अच्छी करें, क्वांटिटी को उस टाइम पे कम कर दें और क्वालिटी बढ़ा दें मैच से पहले, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपने ऐसा किया तो मान लीजिए कि अब गलती कहाँ करते हैं कि मीठे खाने का कंपटीशन, मीठा खा के प्रैक्टिस करके आते हैं और वहां आके खाया नहीं जाता है, तो अब की बार जब नेक्स्ट करें तो आप अपने बच्चों को भी बताएं, या कोई शूटर है तो वो भी इस चीज को ट्राई करें कि मैच से पहले कम से कम आप वो करके आए, फायर करके आए, ड्राई ज्यादा करके आए और फायर ज्यादा करें। तो उससे क्या होगा कि आपको, आप जितने गोलियां चलाएंगे, मान लीजिए कि
एक सिंपल सा एग्जांपल आप अपने मन में सोच के देखिए कि अगर आपको दिन में 6 घंटे रेंज में रख रहे हैं और रेंज में 6 घंटे प्रैक्टिस करनी है, और 6 घंटे के अंदर 5.5 घंटे आपको जो है सिर्फ ड्राई करवाई गई है, और आखिरी के आधे घंटे में आपको सिर्फ 10 गोली दी है कि आपको सिर्फ 10 ही गोली चलानी है, तो मतलब नॉर्मली आप अपने आप में सोचिए कि आधे घंटे में 5.5 घंटे ड्राई कराइए, आधा घंटा फायर करना, आधे घंटे में सिर्फ 10 ही गोली चलानी है, तो क्या कोई भी शूटर उसमें से लेजी शॉट या लापरवाही से चलाएगा उन 10 गोलियों को? नहीं चलाएगा, प्रॉपर चलाएगा, पूरी बढ़िया जान लगाएगा और एकदम अच्छी से फायर करेगा, और गलत लगेगा तो कैंसिल भी करेगा क्योंकि उसको पता है 10 ही गोली है और आधे घंटे का टाइम है, खूब टाइम पड़ा है, तो वो परफेक्ट चलाएगा। तो आप अपनी परफेक्शन पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी से कुछ नहीं होना, अगर गोलियां फायर करने से शूटर बनता तो जिसकी गोली की फैक्ट्री है, बंदूक की फैक्ट्री है, वो सबसे पहले शूटर बनता, वो क्यों नहीं ओलंपिक का मेडल लेके आए? तो क्या है, चलाने का तरीका और जो स्ट्रेटजी है वो चीजें ठीक होनी चाहिए आपकी। गोलियां चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनके पास गोलियां है ही नहीं, वो बिल्कुल ड्राई कर करके आते हैं और बहुत अच्छा करके जाते हैं, है ना? तो इस चीज के ऊपर ध्यान दें, ये वाली चीज करनी चाहिए। मैं बहुत से बच्चों को बोलता हूँ ये चीज कि मैच से पहले कम फायर करें, वो कई बार शिकायत करते हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आता। मत आने दीजिए कॉन्फिडेंस, कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा जब आपका एक एक बार आप मैच में जाएंगे, 15 दिन पहले से कम फायर करके जाएंगे, अगर अच्छा स्कोर आएगा तो अपने आप आ जाएगा कॉन्फिडेंस, ठीक है? दूसरी चीज क्या है कि आप लोग एक और चीज नहीं करते हैं जो करनी चाहिए, क्या है, प्रैक्टिस करते हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग में क्या फर्क है? प्रैक्टिस वो चीज है जो चीज आपको आती है आप उसका अभ्यास कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कहते हैं, और ट्रेनिंग क्या चीज है? ट्रेनिंग वो है जो आपको नहीं आती है, जिस चीज में आप अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, उस चीज को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है? तो आपको क्या है, प्रयास करना है कुछ चीजों को सीखने का, कि ट्रिगरिंग को सीखने का, साइट पे नजर जमी रहे स्टार्ट टू एंड तक, उसका प्रयास करना है, ब्रीदिंग के साथ आपका हाथ नीचे आए, ब्रीदिंग आपकी एमिंग और ट्रिगरिंग ये तीनों का कोऑर्डिनेशन बने, ये तीनों एक साथ चलें, इसका प्रयास करना है ताकि ये चीजें आपकी एक साथ एक लय में और ऑटोमेटिकली होने लग जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को करने लग जाए। दो तरह के माइंड होते हैं ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, और तीसरा माइंड एक अलग नॉलेज है, उसके अंदर माइंड को तीसरा माइंड भी बताया गया, लेकिन वो अभी का चैप्टर नहीं है। नॉर्मली जो साइंस है वो दो माइंड मानती है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस क्या है, जो आपका वर्तमान में मौजूदा, जो अभी आप काम कर रहे हो, आप बैठे हो, आपको पता आप क्लास ले रहे हो, ये कॉन्शियस माइंड है, प्रेजेंट माइंड। सबकॉन्शियस क्या है कि जो आपके दिमाग में एक स्टोर डाटा है, एक आपका तरह का एक हार्ड डिस्क है जिसके अंदर डाटा सेव है, जब आपको जरूरत पड़ी वो चीज निकल के आ गई कि फलाने आदमी का नाम क्या है, तो जब वो आदमी सामने आया उसका नाम ध्यान में आ गया, अदरवाइज 24 घंटे आपके दिमाग में वो नाम या वो आदमी नहीं है। तो ये क्या चीज है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से शूटिंग होनी चाहिए, ना कि कॉन्शियस माइंड से शूटिंग होनी। कॉन्शियस माइंड से आपको क्या करना है, ट्रेनिंग करनी, और इतना ट्रेनिंग कर देना है कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज घुस जाए, वो रिदम घुस जाए, वो फीलिंग घुस जाए, और उसके बाद में जब मैच करें तो वो चीजें सबकॉन्शियसली हो, अपने आप हो, ठीक है? सबकॉन्शियसली होने का मतलब क्या है, सबकॉन्शियस कैसे हो? जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ठीक है? तो स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी क्या करता है, चाबी राइट हैंड से स्टार्ट किया, अगर राइट हैंड का बंदा है तो राइट हैंड से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड से क्लच दबाया, और मेरे ख्याल से राइट पैर के नीचे ब्रेक होता है या गियर होता है जिस साइड में, तो जिधर गियर होता है वही वाला पैर से गियर डालता है, उसी राइट पैर से ब्रेक दबाता है। कभी ऐसा होता है कि बाइक पे बैठा है, टांग इधर से उधर उठा के लेके गया और इस वाले से ब्रेक दबा के आया हो, या क्लच दबाना है लेफ्ट हैंड से तो राइट हैंड को लेके आया और उससे क्लच दबाया हो, अगर सेल्फ मारना है स्टार्ट करनी है तो वो ये वाला अंगूठा ही लगाएगा, ना कि लेफ्ट हैंड का अंगूठा लेके आएगा, हॉर्न दबाना है तो ये वाला लेफ्ट हैंड के अंगूठे से हॉर्न दबाएगा, कार ड्राइव करने वाला आदमी है तो वो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर से ही क्लच दबाएगा, कभी राइट से क्लच नहीं दबाएगा, राइट वाले पैर से ब्रेक ही दबाएगा, ठीक है? तो ये क्यों, ऐसा क्यों करता है आदमी? पेन होता है तो यही रखते हैं, मोबाइल होता है तो साइड वाली पॉकेट में रखते हैं, बटुआ होता है तो पीछे पेंट या जींस जो भी पहनी है उसकी जेब में रखते हैं, ये क्यों होता है? ये सबकॉन्शियस में घुस गया आपके, आपने इस चीज को इतनी बार कर लिया कि आप ये अब आपका दिमाग कहीं भी हो, कोई भी आ रहा है, बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है,
लेकिन इंडिकेटर देना है तो आप दो तीन उंगलियों का इस्तेमाल करते हो। कभी ऐसे पकड़ के इंडिकेटर दबाया अपनी गाड़ी का कि भाई मैंने इंडिकेटर देना है, ऐसे दूंगा, आप भूल गए होंगे इंडिकेटर कैसे दबाना, नहीं भूलते हैं क्योंकि वो सबकॉन्शियस में घुस गया है, वो चीज अब ऑटोमेटिक हो रही है। चाहे आप फोन पे बात कर रहे हैं, चाहे किसी बगल में कोई बैठे हुए आदमी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अब आपके सबकॉन्शियस में वो चीज इतनी रम चुकी है कि आपको अभी कॉन्शियस माइंड यूज करने की जरूरत नहीं है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, जैसे खाना खाते हैं नॉर्मली राइट हैंड का बंदा है तो राइट हैंड से उठाता है, राइट हैंड से खाता है, ठीक है, तो वो राइट से ही क्यों खाया उसने, उसने तो याद ही नहीं किया क्योंकि उसको आदत पड़ गई राइट से खाने की। तो वैसे ही आपको आदत पड़ जानी चाहिए उसी तरीके से ट्रिगर दबाने की, वैसे ही साइट देखने की और वैसे ही ग्रिप करने की, वैसे ही साथ में ब्रीदिंग को पैटर्न को लेके आने की, ये सारी चीजों की आदत हो जानी चाहिए। और जब आदत हो जाएगी तो शूटिंग जो आज मुश्किल लग रही है वो आपको आसान लगनी शुरू हो जाएगी। शूटिंग इतनी मुश्किल है नहीं जितनी आपने बना रखी है, वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपका ट्रेनिंग ठीक नहीं है। अगर आपने सही तरीके से ट्रेनिंग किया और सही इसको चीज को समझा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी शूटिंग। शूटिंग से आसान तो कोई गेम ही नहीं है, सोचिए फुटबॉल में, क्रिकेट में, दूसरे गेमों के अंदर आपको कोई नहीं पता कि किधर से पास आएगा, कैसी बॉल फेंकेगा, कैसा कौन बॉलर होगा, कौन बैट्समैन होगा, कोई आइडिया नहीं है। यहाँ तो सब पता है अपने को कि कौन सी बंदूक है, कौन सी गोली है, क्या रेंज है, कितना डिस्टेंस है, कितना बड़ा टारगेट है, उसके बाद भी इतना क्रिटिकल बना रखा है। और जिस आदमी का ये फंडा क्लियर हो गया, जिस आदमी को इस चीज की टेंशन नहीं है, वो बढ़िया शूटिंग कर रहे हैं, उन्होंने शूटिंग को बड़ा पॉजिटिवली लिया है, उनको बड़ा लगा कि बड़ा इजी गेम है ये, तो सबसे आसान गेम ही यही है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई आपको टच नहीं कर सकता। एक मिनट, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, मैंने अभी वीडियो ऑफ किया है, क्या अभी आवाज सही आ रही है? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो कहा था मैं, हाँ, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो क्या है, जो चीजें सबकॉन्शियसली होनी चाहिए और सबकॉन्शियसली जो चीजें अच्छी हो सकती हैं तो उनको हम कॉन्शियसली क्यों करें भाई? तो इसलिए इस चीज की अपने को एडवांटेज लेनी चाहिए कि हमें सबकॉन्शियसली इस चीज को करें। तो क्या करना है कि इस चीज को इतनी प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, और राइट वे में प्रैक्टिस करनी है कि वो चीज इतनी आसान, जो आसान चीज है उसको मुश्किल बना रखा है, तो अपने को उसको आसान मोड पे ही करना है। तो इसकी राइट वे में प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि ये आसान भी हो जाए अपने लिए और रिजल्ट भी अच्छा आए और मुश्किल ना लगे, ज्यादा एफर्ट ना लगे। देखो, टेन तो दोनों शूटर मारते हैं, एक मुश्किल तरीके से टेन मार रहा है, एक आसान तरीके से मार रहा है, तो क्यों ना अपन आसान तरीके वाला टेन मारे। जब कोई चीज आसानी से हो सकती है, कम एनर्जी में हो सकती है, तो ज्यादा एनर्जी क्यों लगाएं उसमें? तो इसका सिंपल सा समाधान ये है कि सबकॉन्शियसली करने की कोशिश करें, है ना? अभी आवाज आ रही है मेरी ठीक से आप लोगों को? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया अपना सबकॉन्शियसली करने का ट्रेनिंग पैटर्न, जो उससे पहले करने का। अब आते हैं अपन डायरी के ऊपर कि डायरी क्या चीज है, क्यों, क्या मेंटेन करना चाहिए। देखिए, डायरी ऐसी है, डायरी आपका वो डाटा है, डायरी वो चीज है जो आपको ये बताती है कि आपको कब आपने क्या किया और आगे आपको क्या करना चाहिए। पहले आप क्या कर रहे थे, अभी आप क्या कर रहे हो, और आगे आपको क्या करना चाहिए वो आपको डायरी बताती है। और पीछे से कोई चीज आपको वापस उठा करके अपनी ट्रेनिंग में लानी है उस वक्त की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, तो भी आप डायरी से उठा के ला सकते हो। तो ये कैसे ला सकते हो, इसका क्या तरीका है? इसका ये तरीका है, देखिए, डायरी में आपको क्या, हमेशा कुछ चीजें हैं जो मैंडेटरी हैं, वो मेंटेन करनी ही चाहिए। जैसे, आवाज नहीं आ रही है? नहीं, वीडियो की क्या आवाज तो आ रही है ना? हाँ, बस
ओके ठीक है। तो डायरी का क्या महत्व है? डायरी के अंदर, डायरी अपनी बहुत मदद करती है किन चीजों के अंदर, अपनी मान लो किसी वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो गई तो उसको अप लाने के अंदर हमें डायरी बहुत मदद कर सकती है, या किसी वजह से परफॉर्मेंस स्टेबल हो गई इंप्रूव नहीं हो रहा तो भी डायरी बहुत मदद कर सकती है। अब ये कैसे करेगी ये मैं आपको बताता हूँ। डायरी के अंदर क्या क्या लिखना चाहिए अपने को, एक तो अपनी जो पर्सनल रूटीन है, पूरा दिनचर्या है, वो लिखना चाहिए उसमें। बड़ी डायरी बड़ी ईमानदार चीज है कि उसको ईमानदारी से लिखनी चाहिए। अगर आप कुछ ऐसी चीजें लिख रहे हैं जो आप दूसरों से डिस्क्लोज नहीं करना चाहें तो बेशक अपनी डायरी को आप ताले में रखें, लेकिन डायरी अपनी बिल्कुल लिखें और उसके अंदर ईमानदारी से सही सही चीजें लिखें। पहली बात ये कि आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, अपने खाने पीने का पूरा लेखा जोखा उसमें होना चाहिए कि आपकी डाइट कैसी है, क्या है, वेज है नॉन वेज है, वेज में आप क्या खा रहे हो, नॉन वेज में क्या खा रहे हो, कोई और आपकी हैबिट है जो आप यूज कर रहे हो तो वो भी उसके अंदर लिखना है। उसके बाद में आपको अपना वेट लिखना है कि आपका इस टाइम पे वेट कितना है, बॉडी का वेट कितना है, आपकी बीपी कैसी चल रही है इस टाइम पे, पल्स रेट कैसी चल रही है वो लिखनी है, नींद कैसी आ रही है, कितने बजे सो रहे हो, कितना बजे उठ रहे हो वो भी इसके अंदर लिखना है। ये चीजें बिल्कुल लिखनी चाहिए क्योंकि इनका आगे रिलेवेंट होने वाली है ये इसके अंदर। अभी आवाज कैसी है? ओके वेरी गुड वेरी गुड ठीक है। तो डायरी के अंदर ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा ट्रेनिंग, ओके थैंक यू। तो उसके अलावा क्या है, अपने ट्रेनिंग के बारे में पूरा लिखना है कि आप कितना घंटे ट्रेनिंग कर रहे हो, कौन सी पिस्टल से कर रहे हो, पिस्टल का नंबर क्या है, अमनेशन कौन सा है, कौन सी रेंज पे कर रहे हो, कोच कौन है, ये सारी चीजें भी डायरी के अंदर लिखनी है। ट्रेनिंग का पैटर्न क्या है, कितने घंटे क्या करते हो, फिजिकल एक्सरसाइजेज में क्या करते हो, वो पूरा डिटेल में उसके अंदर होना चाहिए। उसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका पूरा हो गया वो आपने लिख दिया। अब आपके जो वीकली मैचेज करते हो या 5 दिन में 7 दिन में जो मैच कर रहे हो, मैच का आपने स्कोर लिखना है, स्कोर का भी पैटर्न लिखना है कि कितने आपके 9 कंट, कभी किसी किसी के पैटर्न होते हैं 7-8-10 लगते हैं, फिर 5-6-9 कंटिन्यू लगते हैं, फिर 7-8-10 लगते हैं, फिर 9 लगने शुरू होते हैं, कंटिन्यू 9 होते हैं, कंटिन्यू 10 होते हैं, वो पैटर्न भी लिखना है। किसी का पैटर्न क्या होता है, 4-10-1-8, 4-10-1-8, 4-10-1-7, 5-10 फिर 1-8, फिर 4-10 फिर 1-7, उसके क्या है मेजर बैड शॉट आते हैं लेकिन 9 नहीं आते, 10 बहुत आते हैं, तो वो अपना पैटर्न भी लिखना है ताकि आगे जा करके हम उसको उस पैटर्न को स्टडी करें। जब अपने को स्कोर इंप्रूव करना तो हमें ये पता चले कि हमें बैड शॉट्स कंट्रोल करने हैं या हमें गुड शॉट्स को और अंदर लेके आना। मान लीजिए किसी के 9 कंटिन्यू फ्लो के अंदर है, इट मीन्स कि उसका कंसंट्रेशन एक टाइम के लिए लूज होता है तो उस टाइम पे वो उसको कंटिन्यू शूटिंग नहीं करनी है, बीच में एक आधी ड्राई करनी है या उसको रेस्ट लेना है उस टाइम पे, ठीक है? तो वो अपने को परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वो आंकड़े काम आएंगे, ठीक है? डाइट भी काम आएगी, हम क्या खाते थे, मान लीजिए आप किसी एक रेंज के ऊपर हैं या किसी जगह पे ट्रेनिंग करने गए तो वहां आप कुछ खा रहे थे, तो वो सब चीजें लिखना है ताकि वो आगे अपन उसको एनालाइज कर सकें। उसके बाद ट्रेनिंग का हो गया, मैच का स्कोर हो गया, मैच का पैटर्न हो गया कि कैसा है। गलती होगी भाई, म्यूट नहीं किया आप लोगों को, है ना? अनम्यूट नहीं, म्यूट करना है, म्यूट कर दिया है ना? ओके ये हो गया। इसके बाद आपको क्या है, मैच के बारे में डिटेल में लिखना है कि आपने मैच कैसे, कौन सा कंपटीशन खेला, कंपटीशन का नाम हो गया, डेट होगी, लाइन नंबर होगी, कौन से स्टेट में हो रहा है, क्या वेदर था उस टाइम पे, आपकी मेंटल कंडीशन क्या थी, आपको कितना कॉन्फिडेंस था, कितना स्कोर मार लूंगा, उसके अलावा मैच के बारे में क्या डर था या नहीं था या एकदम कॉन्फिडेंट थे, मैच क्या स्ट्रेटजी लेके गए थे, किस स्ट्रेटजी के ऊपर मैच करना है आपने, तो वो चीजें भी आपने उसके अंदर लिखनी है। ये हो गया। उसके बाद मैच कैसा हुआ है ना, मैच कर दिया मैंने म्यूट, अब ये महान लोग हैं अपने आप अनम्यूट करते हैं और उसके बाद पता नहीं कौन सी सब्जी लेने चले जाते हैं, है ना? क्या करें अब इनका, कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट के टाइम पे देखेंगे। ओके मैच के जो मैच की जो चीजें हैं ना, मैच की चीजों के अंदर क्या लिखना है कि मैच कब है, कौन सा मैच है, मान लीजिए नेशनल है तो 20 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक हो गया, लाइन नंबर 1 मिला, डिटेल नंबर 10 था, मैच का टाइमिंग क्या था, 2 बजे था, दोपहर में 2 से लेकर 3:15 बजे तक मैच था, ये लिख दिया।
इसके बाद मैच की पहले की स्ट्रेटजी क्या थी कि चलो अपने को ट्रिगर के ऊपर मैच करना है, तो वो ट्रिगर लिख दिया कि ट्रिगर मेरे को कंटिन्यू चलाने का प्लान लेके मैच में गया था। मैच से पहले कॉन्फिडेंस क्या है, मैच से पहले कॉन्फिडेंस है कि 585 तक तो लग ही जाएगा आराम से, और बढ़िया कॉन्फिडेंस आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अब स्लोली यार ब्लैक बोर्ड लेके बैठूं अबे, हैं मैं लिखवा दूंगा ये सारी चीजें, मैं प्रैक्टिकल में भी लिखवाऊंगा नोट पर। हाँ मैं एक एक लिखवाता रहूंगा तो मेरा फ्लो टूट जाएगा, फिर आपको आधी चीजें ही मिलेंगी, है ना। तो हाँ तो उससे सुन लेना। तो ये चीज हो गई, डायरी के अंदर सारी लिख दिया। अब मैच के जस्ट पहले लाइन पे गए ना, उस टाइम पे कुछ चीजें लिखनी है, तो वो उसमें लिख दी कि मेरी अभी को अगर कुछ कोई चीज चेंज है, फीलिंग मान लो फीलिंग है, या कुछ और आपको लिखना है, या कुछ अच्छा लिखना है, तो उसके अंदर दो चार अच्छी अच्छी लाइनें लिखी है कि मेरे को मैच अच्छे से करना है, मेरे को ट्रिगर के ऊपर पूरा ध्यान देना है, कोई लेजी शॉट मैं नहीं चलाऊंगा, एकदम परफेक्ट शॉट चलाऊंगा, कैंसिलेशन की जरूरत पड़ी तो कैंसिल करूंगा। सारी चीजें 5-6 बार लिखोगे तो क्या थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप ये ऐसा ही करोगे, क्योंकि आदमी मन में बोलना, किसी दूसरे को बोलना और लिखना, तो सबसे कारगर सिद्ध होता है किसी चीज को लिख देना, है ना। लिखने से ज्यादा दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, तो वो दिमाग पे भी लिखा जाता है एक तरह से। किसी चीज को आपको करने की आदत डालनी है तो आप लिखना शुरू कर दीजिए उस चीज को कि मेरे को ऐसा करना है। अगर आपको ओलंपिक का मेडल लेना है ना, तो दिन में 100 बार लिखिए कि मुझे ओलंपिक का मेडल लेना है, मुझे ओलंपिक का मेडल। दिमाग एक टाइम पे ऐसा मान ले लग जाएगा कि वाकई आपको लेना है, तो फिर वो उसी तरीके से आपको ट्रेन करना शुरू कर देगा दिमाग। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है जो होती है, फैक्ट है ये। तो वो चीजें आपने लिखी, उसके बाद मैच स्टार्ट किया, मैच किया, मैच के बीच में कोई चीज की आपको दिक्कत आने लगी, कोई चीज हो नहीं रही है, कुछ दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, तो फिर आप अपनी किसी अच्छे मैच की डायरी उठा करके पढ़ सकते हैं कि मैंने इस मैच में ऐसे ऐसे किया था। तो वो मैच की डायरी पढ़ी, फिर लग गए वापस मैच में, मैच किया, मैच करने के बाद में फिर आपको डायरी लिखनी है। उसके अंदर आपने पूरा स्कोर वाइज लिखना है कि ऐसे ऐसे कार्ड रहे थे, शॉट वाइज हो सके तो शॉट वाइज भी लिखना है, और स्कोर का कार्ड वाइज भी लिखना है, ओवरऑल स्कोर लिखना है, अपनी फीलिंग लिखनी है कि मेरी अभी इस मैच में क्या फीलिंग थी, मैंने कैसा फील किया, मुझे डर लगा कि नहीं लगा, मेरा जो ट्रिगर का टास्क लेके गया था वो मैंने फॉलो किया कि नहीं किया, कितना परसेंट मेरा फॉलो हो पाया नहीं हो पाया। एक मन में किसी को कोई भी बहाना मार दो आप, लेकिन अपने आपको पता होता है कि आपने किस चीज को कितना परसेंट दिल से किया या कितना परसेंट आपसे हो पाई है। तो आप अपनी डायरी में उस चीज को लिखें ताकि आप जा करके वापस ट्रेनिंग तो कर सकेंगे उस चीज के ऊपर कि मेरे से ये हुआ या ये नहीं हुआ। तो ये चीज हो गई डायरी के अंदर लिखने वाली। अब इसके बाद में क्या है, मैच के बारे में हो गया, मैच से पहले आपने लिख दिया, मैच में बीच में पढ़ लिया, मैच के बाद में आपने पूरी फीलिंग शेयर कर ली डायरी के साथ में। अब आपकी डायरी के अंदर क्या है, एक डाटा है, मान लीजिए ये 1 साल तक सेम चीजें आप लिखते हुए आ रहे हैं, और 1 साल बाद में परफॉर्मेंस स्टेबल हो गई या डाउन हो गई है या बढ़ नहीं रही है, कुछ भी है, तो आप एटलीस्ट उसके अंदर डायरी में झांकने से कोई अच्छा कोच आपको डायरी देख करके ये बता सकता है कि आपको क्या चीज चेंज करनी चाहिए, क्या चीज गलत कर रही है, क्या चीज की क्वांटिटी आपको अमाउंट बढ़ाना है, किस चीज का अमाउंट बढ़ाना है, तो वो बहुत हेल्प करती है। मान लीजिए आप एक सिंपल सी चीज है, आपने अपनी बॉडी की जो चीजें हैं वो लिख रखी है, एक राइफल शूटर है उसने बॉडी वेट लिख रखा है कि अभी उसका वेट 80 kg है, लेकिन 1 साल बाद में परफॉर्मेंस डाउन होनी शुरू होगी, तो उसके पास सिंपल सा एक तरीका है कि वो अपना बॉडी वेट भी चेक किया, मान लो उसको बॉडी वेट 90 kg मिला और किट वही है, तो सिंपली उसको पता चल जाएगा कि मुझे किट चेंज करने की जरूरत है या वेट वापस कम करने की जरूरत है। तो डायरी है या आपने आपको पता है कि आपका वेट बढ़ा है तब तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस चीज के ऊपर घूमते रहेंगे पता नहीं क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया। वैसे ही राइफल शूटर पिस्टल शूटर के लिए भी है, मान लीजिए आपने आपकी डाइट 1 साल पहले एकदम वेजिटेरियन थे या कोई अच्छी डाइट आप ले रहे थे, 1 साल बाद में आपने थोड़ी सी डाइट चेंज कर दी और आपका जो बीपी या पल्स रेट नॉर्मल आता था, मान लीजिए 80/120 या 70 पल्स रेट आता था नॉर्मली, सुबह उठते ही आप चेक करते हैं तो उतना आता था, और 1 साल बाद आपका परफॉर्मेंस डाउन होने लगा और आपने चेक किया कि पहले चलो मैं बेसिक चीजें चेक कर लेता हूँ कि इनमें कोई कमी नहीं है, और आपने सुबह उठ के 5-7 दिन कंटिन्यू अपना बीपी और पल्स रेट चेक किया, तो आपका बीपी जो है ना 120/140 आ रहा है, पल्स रेट 80 आ रहा है सुबह उठते ही, तो इसका मतलब आपका बॉडी आपके साथ नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपने बायोलॉजिकली काम करना है कि बॉडी के ऊपर काम करना है, सबसे पहले डाइट चेंज करनी है कि मेरा बीपी हाई क्यों जा रहा है, डाइट में क्या है, मीठा ज्यादा ले रहा हूँ या नमक ज्यादा ले रहा हूँ या मिर्ची ज्यादा ले रहा हूँ या कोई तला भुना ज्यादा खा रहा हूँ,
तो वो चीजें चेंज कर सकते हैं। तो ये डायरी है तभी तो आप कर सकते हैं, डायरी नहीं है तो आप इस चीज के ऊपर नोटिस में नहीं जाएंगे कि मैं क्या चेंज करूं क्या नहीं करूं, है ना। तो ये चीजें आपको लिखने की जरूरत है। 25-50 के अंदर, जैसे आउटसाइड वेदर है तो कहीं कहीं पे हवा ज्यादा चल रही है किसी रेंज के ऊपर, या किसी रेंज के बारे में आपने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है ना सूरज इस साइड से उगता है और इधर से आता है, तो इस रेंज के ऊपर 2 बजे के करीब जो है लाइट पीछे से आती है और सुबह होते हैं तो लाइट जो है छाया होती है टारगेट के ऊपर। तो आपके पास कुछ है तो आप चेंज कर सकते हो। मान लो टारगेट पे सुबह आपको मैच करने को मिला और सुबह छाया आ रखी है, तो आपको येलो फिल्टर लगाना है। येलो फिल्टर लगाना है तो आपके पास डाटा है तभी तो आप येलो फिल्टर लगाओगे, नहीं तो मैच में जा करके ही देखोगे। बेशक आपने 1 साल पहले उस रेंज पे मैच किया है, लेकिन आप रेंज पे जाके पता चलेगा अरे छाया है यहाँ, साइट नहीं दिख रही है ना। तो ये डायरी की हेल्प है जो बहुत, मतलब डायरी अपने आप में एक कोच का काम करती है। अगर आपने डायरी को अच्छे से मेंटेन किया है तो डायरी कोच की जितनी ही भूमिका निभाती है, जैसा अच्छा कोच काम कर सकता है आपके लिए वो डायरी भी कर सकती है, बशर्ते आपने डायरी को अच्छी फीडबैक और राइट करेक्ट फीडबैक दे रखी है, तो अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये डायरी के बेनिफिट्स हैं। मेरे ख्याल से डायरी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे आपके। और कोई डाउट? ठीक है, अभी भी इसके अंदर अगर कोई चीज आपकी पेंडिंग रहेगी, कोई चीज आपको लगता हो कि ये चीज के ऊपर थोड़ा और बात करने की जरूरत है, या ये कुछ सवाल रह गए, या कोई पॉइंट टॉपिक छूट गया हो, तो आप उसको नोट डाउन करें। इवनिंग का जो सेशन है अपन उसके अंदर लेंगे और इवनिंग में फिर से इसके ऊपर बात कर लेंगे खुल करके, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास की तैयारी कीजिए। गुड लक ऑल ऑफ यू।